सो गाइस वी टुक आवर प्री वर्कआउट है ना, अल्पा श्रेड बरान स्प्रेडिंग गुड, मतलब मेरे को तो बहुत प्यारा पंप आता है। टुडे वी हैव निदांत एज वेल, सो ही विल बी ट्राइंग द प्री वर्कआउट एज वेल। एंड देखो भाई कैसा लगता है आपको टेस्ट। आज वी गोइंग टू हिट आवर शोल्डर वर्कआउट टुगेदर, राइट? कॉफी फ्लेवर है, कॉफी फ्लेवर जैसा सही टेस्ट आ रहा है। कुछ नहीं लगता इसमें, मतलब योहिम्बाइन और वो बहुत सारी सी एल ए वगैरह सब कुछ उन लोगों ने मिला के रखे, रनिंग फॉर्मूला बेसिकली। तो भाई का ऐसा था कि बेसिकली क्रिएटिन, ही डज नॉट वांट क्रिएटिन इन द प्री वर्कआउट राइट नाउ बिकॉज ही वाज वर्किंग ऑन हिज क्रिएटिन लेवल्स। तो ही चेक द इंग्रेडिएंट्स और इसमें क्रिएटिन नहीं है, तो कोई सीन नहीं भाई, अब ले लिया प्री वर्कआउट, चलते हैं वर्कआउट करने। शोल्डर और ट्राइसेप्स टुडे, एंड शोल्डर्स का सबसे पहला वेरिएशन है, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स स्टार्ट द वर्कआउट, लेट्स सी। भाई ये वाले मशीन पे ना मैं थोड़ा सा इसको ना मतलब ऐसे नीचे ले लेता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़ा स्टेबिलिटी मेरे को ज़्यादा मिलती है। आई गेस जैसे जैसे आप इसको ऊपर लेते जाते हो तो रेंज ऑफ मोशन थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, तो जितने भी रेंज ऑफ मोशन में यू कंफर्टेबल यू कैन गो विद दिस। बट आई पर्सनली लव दिस मशीन क्योंकि यू डोंट हैव टू यू नो गो फॉर डंबल्स वगैरह। सो आई बी डूइंग अ वार्म अप सेट ऑल्सो, स्क्वीज एट द टॉप राइट ताकि ब्लड पंप हो जाए एंड द मसल इज रेडी। कितना रेप लिया था आपने? फिर कितना वार्म अप? 10-15 3 sets warm up कर दो, 3 sets main sets, 3 warm up sets and 3 working sets, that's what he says, let's see। मैं usually दो ही करता हूँ warm up bro, first जो exercise है उनका 3 sets warm up। क्या बोल रहे? first जो exercise रहेगा ना, क्या first primary exercise रहेगा ना कभी भी? हाँ ये primary exercise, तो उसे 3 रहना चाहिए, 3 variation, हाँ चलेगा ना। आज भाई के हिसाब से workout करेंगे, so he says 3 तो 3 करेंगे। मैक्स कितना मार लेते हो भाई अभी मशीन पे? मैक्स सही नहीं, 75 kg। अरे मतलब अच्छा फुल स्टैक कर लेते हो? हाँ ठीक है। ये तो इधर प्लेट्स लगा दे। हाँ प्लेट्स लगा दे। अच्छा ऊपर प्लेट्स लगा दे। ये भी अभी वार्म अप सेट ही था क्या? हाँ तीन वार्म अप सेट, तीन वर्किंग सेट, तीन वर्किंग सेट। मेरे लिए तो ये मेरे लिए वर्किंग है भाई। कितना रेप्स रहता है इसका? 15 ओह फक। Up. 12 reps. वो तो नहीं था मेरे लिए, ये वर्किंग ही था। सो गाइस दिस इज आवर पहला वर्किंग सेट विच इज फुल स्टैक। तो ये पहला वर्किंग सेट है, दूसरा वर्किंग सेट क्या होगा? पहला वर्किंग सेट और दूसरा दूसरे में क्या करेंगे? दूसरे में प्लेट्स लगा देंगे इधर। कितना प्लेट? 25 और तीसरा? तीसरा 25। तो भाई ने 12 रेप्स किए, मेरे को नहीं पता, मैं हार्डली 4-5 ही कर पाऊंगा। पहले बिना सपोर्ट के ट्राई करता हूँ। मैं देता हूँ सपोर्ट? नहीं मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। Easy.
One. Up. चार पांच रेप्स फुल स्टैक के। सो गाइस दिस इज आवर सेकंड लास्ट वॉकिंग सेट एंड 20x25 का प्लेट कर लिया। भाई ने अभी कितना रेप्स मारा? 8। एक ही रेप? 8 रेप। 8 रेप्स मारे 20x25 करके। मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना कि नीचे प्लेट लगाने से ज्यादा लोड आता होगा या फिर क्या लगता है, नीचे इससे लगाने से ज्यादा लोड आता होगा कि यहाँ पे इसमें ज्यादा लोड आता है? हाँ, मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे प्लेट्स लगाएंगे तो ज्यादा लोड आएगा, मतलब 25 अटैच कर देंगे तो हाँ वो ग्रेविटी रहेगा ना। हाँ, इससे ज्यादा लोड आएगा ना, ये कम है मेरे हिसाब से। मैं उठाता मेरे को 2 रेप्स तो मारने कैसे भी करके, 2 से 3। नहीं जाएगा, 1, 2, 3। छोड़ दो नहीं जाएगा, बिना प्लेट के ही मारूंगा। ग्रिप जो है ना उस प्लेट्स की वजह से मेरे को बहुत नैरो हो गया था, मेरे को आई गेस दैट वाज द रीजन दैट आई कुड नॉट लिफ्ट। थोड़ा ग्रिप मेरे को थोड़ा चाहिए क्योंकि शोल्डर्स थोड़े से ब्रॉड है। ले लो मेरे ब्रीथिंग में प्रॉब्लम है। ये पुश कर रहे हो ना, तभी क्या हो रहा है, मोस्टली आप ब्रीथ आउट इधर ही कर लो, पूरा इधर ही ब्रीथ आउट, ब्रीथ में होल्ड रखो ना, होल्ड। हाँ, उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, इतने वेट जा रहा नहीं, कंट्रोल में आ रहा है, इधर पुश बढ़ रहा है ना, स्टडी और ब्रीथ इन हो, आउट हो गया, होल्ड आ रहा है, इधर ही आप आउट करो, वेट हैवी है ना, जब ब्रीथिंग होल्ड रहेगा, ब्रीथिंग जब हम लोग ऊपर पुश कर रहे हैं तो ब्रीथ आउट करते हैं। हाँ, और ब्रीथिंग करके पूरा वो एक्सरसाइज करते हैं, वेट हैवी इसलिए क्या हो रहा था, ब्रीथ आउट नीचे ही हो रहा, मैं मेरे को लग रहा है वो वेट हैवी इसकी वजह से मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा। सो गाइस एज यू कैन सी कि फाइबर बहुत तगड़ा निकल रहा है भाई, है ना, रियर डेल्ट भी बहुत अच्छे से निकल के आ रहा है। तो भाई इसको इतना ऊपर रखने का सीन क्या है, क्योंकि मैं यूजली करता हूँ ना, मैं सीट को बहुत डाउन रखता हूँ और एक्सटेंड करता हूँ, इसको ऊपर क्यों रखा हम लोगों ने, वरना मोस्टली रहता है नीचे रखा ना तो ट्रैप्स इन्वॉल्व रहता है ना, नीचे रखा ना तो ट्रैप्स इन्वॉल्व होता है, ये ट्रैप्स में फूल करते हैं, ट्रैप्स को स्ट्रेच किया, मोस्टली लैटरल डेल्ट एंगेज होगा, इसलिए जितना ऊपर रखे उतना ऊपर रखो, टेस्ट ऑफ लैटरल को पूरा नीचे छोड़ो, ट्रैप्स को रिलीज किया और लैटरल एंगेज। हाँ, ये हाथ का मूवमेंट करो, फिर ट्रैप्स को छोड़ो, हाँ लैटरल करो, फिर हाँ पुश लैटरल एंगेज हो रहा है, ऊपर लो, हाँ इधर ट्रैप्स इन हो रहा है, ट्रैप्स थोड़ा सा एंगेज हो रहा है। तो आर मेन गोल इज टू ओनली एंगेज द लैटरल, इसके लिए वे कीपिंग इट डाउन जितना हो सकता है। एक बार भाई फ्लेक्स करके दिखा सकते हो क्या यार, भाई का शोल्डर बहुत खतरनाक दिखाई दे रहा है, मेरा हाथ जितना है भाई, वीन्स वगैरह पॉप हो गई है। वील ऑल्सो ट्राई द सेम थिंग, इसको थोड़ा नीचे रख के, सही प्रेशर आ रहा है बिकॉज यू नो ट्रैप्स एंगेज नहीं हो रहे, पुश करो साइड में, पुश करो साइड में, हाँ सही लग रहा है थोड़ा ऊपर भी ले लो, हमारे जो पहले एक्सरसाइज था वो शोल्डर प्रेसेस किया था हम लोगों ने, जो मोस्टली तीनों हेड्स को टारगेट करता है ना, एक कंपाउंड मूवमेंट है। उसके बाद वी डिड लैटरल रेजेस जो लैटरल हेड के लिए, एंड आर लास्ट एक्सरसाइज इज रियर डेड फ्लाइज, रियर डेड के लिए करेंगे, बट वील सी द पोजिशन जिसपे भाई करते हैं ना, एंड गेट द करेक्ट फॉर्म। सेट को पहले पूरा खोलेंगे, Thank you.
सिंगल हैंड यूज़ करो क्या सिंगल हैंड सिंगल हैंड लेंगे ठीक है मैं एक पिक करके दिखा दो ना एक बार कैसे करेंगे अच्छा सर आपने क्या किया भाई ये तो खतरनाक टच देता है भाई पहले क्या किया था उसको लेट्स को स्टेज किया था ना लेटरल में हाँ हाँ उसको भी लेटरल को स्टेज को स्टेज किया थोड़ा साइड में पुश कर और सिर को सिर्फ रियल है सिर्फ रियल ले लेंगे नाइस नाइस आप देख सकते हैं भाई भाई आग वाग बंद करके प्रॉपर मेडिटेशन में है कि लाइक पूरा प्रॉपर प्रेशर है वो रेप्स मार के मतलब जितना स्लो कर सके उतना कंट्रोल में आता है ब्रो और हम लोगों ने मतलब वी डिडंट टॉक अबाउट वन थिंग विच इज आपने कहा आपने कंप्लीट किया क्रेडेंशियल्स ब्रो अपने आप व्यूअर्स को बताया नहीं हम लोगों ने मैं अभी तक उतना कॉम्पीट नहीं किया दो तीन तीन कॉम्पिटिशन किया नॉर्मल पड़ी श्री नवी मुंबई श्री लोकल कॉम्पिटिशन खेला मुंबई श्री वगैरह खेला है तो उसमें कुछ मैं देखा सिल्वर वगैरह लगे सिल्वर लगा था तो अच्छा तो है भाई इतना हम्बली बोल रहे भाई कि खेला था मुंबई श्री तो अच्छा प्लेटफॉर्म है बस वेट कैटेगरी कौन सा था उसका वो 70 था 70 केजी में 70 केजी में तो भाई एक से एक बंदे आते मैंने देखा है 60-65 में ही लोग इतना जाग लगते हैं सबसे टॉप रहता है 60-75 हाँ 75 अभी ठीक है गाइस सो अब मैं भी क्विकली एक एक करके देता हूँ हाँ तो बेसिकली इसको एकदम आगे रखूँ आप स्ट्रेच कर दिए हाँ और अभी सिर्फ रियल स्क्वीज एकदम कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं इसको अच्छे से फुल्ली स्ट्रेच एंड देन कंप्रेस एल्बो से पुश करूँ रियल एंड इज पम्प गाइस आज यू सॉ कि हम लोग ने शोल्डर के तीन एक्सरसाइज किए ट्राइसेप का एक एक्सरसाइज करने वाले विच इज वन हैंड सिंगल हैंड सिंगल हैंड सिंगल हैंड करने का क्या सीन है दोनों हाथों से क्यों नहीं वो यूनिलैटरल ट्रेन होता है ना यूनिलैटरल ट्रेन होता है तो इवन रहता है बेसिकली कोई ऐसा नहीं कि एक पे ज्यादा प्रेशर आ रहा है उस लेफ्ट राइट हैंड वर्किंग है ना वो राइट हैंड बहुत ही लैटरल है राइट हैंड वर्किंग है तो ज्यादा वर्किंग वही करेगा लेफ्ट हैंड नहीं करेगा अच्छा हां यूनिलैटरल मूवमेंट ताकि ट्राइसेप का जो ग्रोथ है ना वो इवन होना चाहिए इसके लिए पोजीशन में स्ट्रेच करके एंड देन कॉन्ट्रैक्शन कर दूंगा मेरे को हाथ लगाना थोड़ा पसंद है तो मेरे को वैसे थोड़ा ज्यादा फील होता है ट्राइसेप सही है ना स्लाइटली सीन हाँ परफेक्ट प्रेशर है थोड़ा सा इसको मैं इनवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो शॉर्ट हेड है ना वो भी एंगेज हो बहुत जो है प्यारा प्रेशर आ रहा है सो दिस इज गोइंग टू बी लास्ट एक्सरसाइज एंड विल बी डन विद द वर्कआउट रैप अप बाद में कर देता हूँ Let's go full body posing.
Thank you.